ईयू देश रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। जर्मनी की विदेश मंत्री एलेना बायरवोक का बहुत बड़ा बयान विद द विजुअल्स। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने के फैसले के बाद आया बयान, हमें यूक्रेन की और ज्यादा मदद करनी होगी। जर्मन विदेश मंत्री, हमें आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद सीधा ये अगली ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहा हूं, तब तक इसको करेक्ट जरूर कर दीजिएगा। बड़ी खबर, जर्मन टैंक की वजह से नए स्तर पर जाएगा वॉर, बड़ी खबर है। बर्लिन में तैनात रूस के राजदूत सरगेई नाशीव की चेतावनी विद द विजुअल्स। जर्मनी का फैसला बेहद खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण, रूसी राजदूत ने कहा। जर्मनी के फैसले में विरोधाभास है, रूसी राजदूत ने कहा। जर्मनी के फैसले से डिप्लोमेटिक समाधान में बाधा होगी। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट्स के साथ में विष्णु सर के पास चलूंगा। विष्णु सर, रशिया वर्सेस यूक्रेन के बाद हमने कई फ्रंट देखे, एक फ्रंट जिससे मुझे दहशत थी वो थी रशिया वर्सेस यूके, लेकिन अब जिस प्रिटेक्स्ट पर ये युद्ध शुरू हुआ था वो प्रिटेक्स्ट पूरी तरीके से यहां पर सत्य हो गया, और वो है रशिया वर्सेस जर्मनी, वर्ल्ड वॉर टू का रिपीट। अब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो है वो पहली बार बोलती है कि इट इज रशिया वर्सेस जर्मनी, फिर जर्मन टैंक्स रशिया बॉर्डर पर वर्ल्ड वॉर टू की तरह। ये सारे हालात जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर, वेयर आर वी हेडिंग? ये कोई अच्छे चिन्ह नहीं है, ये बहुत ही परेशान करने वाले डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थी जर्मनी की, वो अपोज कर रही थी लेपर्ड टैंक्स देना, वो अपोज कर रही थी जर्मनी को ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व होना, और उन्होंने रिजाइन किया है। चांसलर भी बड़े परेशान हैं, वो नीचे वो जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, पर जो उनकी कोलिशन पार्टी है और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ग्रीन पार्टी की हैं, वो बड़ी हॉक हैं, और बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत प्रेशर वॉशिंगटन से आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जर्मनी ये कोई इतनी आसानी से कर रहा है, ये बेबस ही इसमें कर रहा है, पर इसके अंजाम जो है वो बहुत भयंकर हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बात चल रही है निशान जी, अगर रशिया को लगा कि ये हार रहे हैं तो ये एक अंतिम रूप में परमाणु हथियार इस्तेमाल करें, ये इसमें ये डर है बहुत, और ये कोई इतना आउट ऑफ थॉट नहीं है, इसमें ये अंदेशा है इसका। और अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल होते हैं तो कहाँ होंगे, यूरोप में होंगे, जर्मनी के अगेंस्ट होंगे, फ्रांस के अगेंस्ट होंगे। अमेरिका तो एक द्वीप है, अमेरिका तो शायद बचा रहेगा, पर बर्बादी यहाँ होगी, और इसलिए यूरोप को अब अपना एसर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो मैं एसेस कर पाता हूँ। और ये वॉर को जैसे कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कोशिश की थी खत्म करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो एक बिल्कुल उकसाने में लगा हुआ है।